Hello children, today I am going to tell you a story in Hindi. आपको कहानी का नाम जानना है? कहानी का नाम है टोपी वाला और बंदर. So, सब एक साथ तैयार? शुरू करते हैं कहानी टोपी वाला और बंदर. कहानी का नाम है टोपी वाला और बंदर. एक गांव में एक व्यापारी रहता था. वो शहर से टोपियां लाकर गांव में बेचता था. एक दिन वो एक गांव से दूसरे गांव अपनी टोपियां बेचने जा रहा था. वह गर्मियों की ऋतु थी और वह एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था. कड़ी धूप और दोपहर का वक्त था और वह चलते चलते बहुत थक गया था. उसने सोचा कि इस घने पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम कर लेता हूं. थकान की वजह से वह टोपी वाला उसी पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो गया. वह पेड़ बहुत सारे बंदरों का ठिकाना था और बंदरों ने देखा टोपी वाला सोया हुआ है और उन्होंने देखा कि उसकी थैली में बहुत सारी रंग बिरंगी टोपियां भी है. बंदर सब नीचे आए और एक एक करके उसकी टोपियां निकालने लगे. थोड़ी देर से टोपी वाले की आंख खुली और उसने क्या पाया? उसने पाया कि उसकी सभी टोपियां गायब है और थैली खाली पड़ी हुई है. वह सोचने लगा, इधर उधर देखने लगा और चिंतातुर हो गया. उसने ऊपर देखा तो बहुत सारे बंदर टोपियां पहने हुए थे और वह मस्ती कर रहे थे. टोपी वाला परेशान हो गया और बंदरों को गुस्से से बोलने लगा, मेरी टोपियां वापस दो. पर ये तो बंदर, वो कहां देने वाले थे. टोपी वाले ने गुस्से में आकर एक पत्थर उठाया और बंदरों की तरफ मारा. बंदरों ने पेड़ पर से फल तोड़े और टोपी वाले की तरफ फेंके. इससे टोपी वाले को एक उपाय सूझा. उसने अपने सिर पे रही टोपी को जमीन पर नीचे फेंका और क्या देखा, सब नकलची बंदरों ने अपनी अपनी टोपियां भी जमीन पर फेंकी. और ये क्या हुआ, नकलची बंदरों की वजह से टोपी वाले को अपनी टोपियां वापस मिल गई. उसने झट से सभी टोपियां अपनी थैली में भरी और वहां से चल दिया. तो बच्चों, यह कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें यह सीख मिलती है कि संकट के समय हमें शक्ति के साथ साथ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए. आपने देखा, टोपी वाले ने पत्थर फेंकने की कोशिश की, उससे उसको पता चला कि बंदर उसकी नकल कर रहे हैं. तो उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपनी खुद की टोपी जमीन पर फेंकी. इस तरह से उसने अपनी सभी टोपियां वापस पाई. मुझे आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी. बच्चों, यह कहानी की सीख आप अपने जीवन में जरूर उतारें. धन्यवाद.